कहीं पर घंटियां बनने लगी, कहीं पर घंटे घड़ियालों की तैयारी है, कहीं पर मूर्तियां सजने लगी तो कहीं पर दीवारों को सजाने की तैयारी है, कहीं पर चांदी के दिए बनने लगे तो कहीं पर कलश स्थापना की तैयारी है। जी हाँ, ये सारी तैयारियां चल रही हैं भोलेनाथ की नगरी काशी में। ये तैयारियां खास राम मंदिर को लेकर चल रही हैं, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। बरसों से इंतजार चल रहा था कि कब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और अब काशी के लोग राम मंदिर की तैयारियों में जुट गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में दलीलें भी पेश की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायर होने से पहले यानी नवंबर महीने के पहले पखवाड़े के अंत या फिर दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में एक पक्ष ऐसा भी है जो अपने पक्ष में फैसला आने को लेकर आश्वस्त है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने हक में फैसला आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी कोर्ट का फैसला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए एक तरफ अयोध्या में तराशे हुए पत्थरों की साफ सफाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक राजधानी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी राम मंदिर में लगाने के लिए धातु से बने मंदिरों में लगने वाले घंटे घड़ियाल कलश मेटल रिपोजी के पैनल आदि बनाने के काम में तेजी आ गई है। बता दें कि इसके लिए किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन सुनवाई पूरी होने के बाद इस कला में निपुण वाराणसी के कलाकार पक्ष में फैसले को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि निर्माण शुरू कर दिया है। कारीगरों का कहना है, इस काम से जुड़े हुए कारीगर अनिल कसेरा ने कहा है कि हम ये घंटे घड़ियाल अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। वहीं मेटल रिपोजी की कारीगरी का अद्भुत नमूना पेश करते हुए तांबे के पैनल पर राम दरबार उकेरने के कार्य में पूरी तरह से व्यस्त संजय दुबे ने कहा कि ऑर्डर मिला तो ठीक, नहीं तो ये मंदिर को मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट होगी। मंदिर के पक्ष में फैसले को लेकर आम जनमानस के साथ ही कारीगर भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। कटरा में माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो या फिर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, मेटल रिपोजी का काम वाराणसी के कारीगरों को ही दिया जाता है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का काशीपुरा कसेरा समाज का ऐसा इलाका है जहां हजारों लोग धातु से बनी वस्तुओं के निर्माण में पीढ़ियों से लगे हुए हैं। काशी के मेटल रिपोजी को कुछ समय पहले ही GI टैग मिला है। इस काम में लगे कारीगर कमलेश कसेरा बताते हैं कि जम्मू के कटरा में माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो या फिर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर में किया गया मेटल रिपोजी का कार्य वाराणसी के इन्हीं कारीगरों ने किया है। वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच निर्माणाधीन करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी यहीं के कारीगर काम करने गए हैं। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर कार्यशाला में मंदिर के निर्माण में उपयोग के लिए पत्थर पहले से ही रखे हुए हैं, और इनके पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लोगों ने साफ सफाई भी की थी। उनका कहना था कि पत्थरों की सफाई से मंदिर निर्माण में इनका तत्काल उपयोग भी हो सकेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।